नमोद धर्मेंद्र विद्यार्थी महाराज के सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को हृदय से ओम शम शनिश्चराय, वंदे मातरम, जय गो माता। आपके सामने हूं और विषय लेकर आया हूं तुला राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा है, ग्रह नक्षत्रों की गणना क्या है। तुला राशि वालों का नवंबर महीने का राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले नवंबर माह का ग्रह गोचर। नवंबर माह के आरंभ में तुला राशि का स्वामी शुक्र कन्या राशि में द्वादश भाव, सूर्य बुध राशि, सूर्य और बुध तुला राशि लगन भाव, मंगल मीन राशि छठे भाव में वक्री अवस्था में, बृहस्पति धनु राशि तीसरे भाव में और 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, चतुर्भाव में आ जाएंगे भगवान शनि के साथ, शनि भगवान मकर राशि चौथे भाव से गोचर कर, राहु वृषभ राशि अष्टम भाव में, केतु वृश्चिक राशि दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। भ्रमणकालीन ग्रह तुला राशि पर नवंबर माह में क्या प्रभाव डालेंगे, बात करते उनकी राशि। और सबसे पहले कैरियर की बात करूंगा, कारोबार की बात करूंगा, नौकरी की बात करूंगा, पैसों की बात करूंगा, जितना मैं जानता। तो तुला राशि के भाई बहनों के लिए, सभी मित्रों के लिए नवंबर का महीना सामान्य तौर पर अच्छा है। इस महीने आपको सफलता मिलेगी, प्रयत्न से अच्छी सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध और रोजगार से एक से अधिक साधन आपके सामने नजर आए, कारोबार में मनोनुकूल वातावरण। छब्बीस और 30 नवंबर को आप नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में, साझेदारी में नए लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन किसी नए व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करते हुए थोड़ा सचेत रहे, बुजुर्गों की सलाह ले, कानूनी मसला देखें और पेपर जरूर दें, क्योंकि 7 से 16 नवंबर के बीच में पार्टनरशिप के मामले में, साझेदारी के मामले में अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा। यदि आप नौकरी में और सरकारी नौकरी में, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो थोड़ी सी उठापटक है, थोड़ा सा मानसिक तनाव है, परंतु कोई विशेष परेशानी इस महीने नहीं है। आप अपने रुकी हुए कार्य को निपटाने की कोशिश करें, सफलता आपका दावों के लिए। बस एक बात ध्यान रखें, इस महीने विशेष रूप से चापलूस लोगों से सावधान रहने की संभावना तलाश, क्योंकि चापलूस लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी, धोखे की संभावना। पैसा ठीक है, कारोबार भी ठीक है, रोजगार भी ठीक है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतना है, चापलूस लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना है। 17 से 16 के बीच में साझेदारी करते समय थोड़ा ध्यान रखना, पारिवारिक जीवन अनुकूल लेगा, परिवार के सभी सदस्य मन अनुकूल सहयोग करेंगे, जिसमें कि घर योगायोग है, समय ठीक है, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता रहेगी, व्यर्थ के मतभेदों से छुटकारा मिलेगा। परंतु एक मैं जरूर देखता हूं, आपकी जो एक आदत है छोटी छोटी मुद्दों को लेकर आप विवाद में पड़ जाते हैं, उससे आपको बचे, आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्यों की बात सुनना बहुत जरूरी है, बड़ों का प्यार और पैसा भी मिलेगा, मित्र सहयोगी साबित होगी, यात्रा सामान्य तौर पर आपके लिए अच्छी है। और तुला राशि के युवा आप है, ये महीना सभी कार्यों को सफलता देने वाला है, आप आगे बढ़े, आपके काम बने, घर वालों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप हायर एजुकेशन में, मेडिकल में है, कंप्यूटर एजुकेशन में है, या आप ऑनलाइन कोई नया बिजनेस करें, आप नौकरी कर रहे हैं आप, या फिर आप कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। और शादी विवाह के लायक आपकी उम्र है, तो शादी विवाह के कार्य में जो रुकावट आ रही है उसमें आपको, उस रुकावट से आपको छुटकारा मिलेगा और इस महीने आपको मनोनुकूल सफलता मिलेगी। आप प्रयत्न से लिए महीना अच्छा है, 6, 12, 19 और 26 नवंबर किसी भी नए कार्य या कुछ भी अच्छे कामों के लिए बड़ा अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, इसमें आप प्रयास करते बड़ा अच्छा। आप विद्यार्थी हैं तुला राशि के, तो थोड़ा सा आपको एजुकेशन में मेहनत करने के लिए, आप मेहनत अच्छी करेंगे सफलता आपका दान है। एक बहुत जरूरी बात है तुला राशि वाले विद्यार्थियों को, हट धर्मिता नुकसान देगा, माता पिता से किसी चीज के लिए जिद नहीं करें, थोड़ी सी उनकी बात में माने तो शिक्षा के दृष्टिकोण से तो सब आपका ठीक है, बस मेहनत की थोड़ी जरूरत है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही, परंतु त्वचा और आंख संबंधी समस्या के प्रति लापरवाही, या आपको सांस की प्रॉब्लम या साइनस की कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें, पानी अधिक पिया,
तला भुना या मसालादार खाना से बचना चाहिए। इस महीने विशेष सावधानी क्या है? आत्मविश्वास को कमजोर न है। अनावश्यक रूप से की गई चाटुकारिता हानि का कारण बन सकती है। विचारों की ढुलमुल नीति आपको नुकसान देगी। समाधान क्या है? यदि व्यवसाय में या कारोबार में या नौकरी में, तो इस महीने श्रद्धानुसार तिल, चाहे सफेद हो चाहे काले, गाय को अपने हाथ से खिलाए। तुला राशि वालों, कैरियर कारोबार नौकरी संबंधी कोई परेशानी नवंबर महीने आपको है तो श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और भगवान शिव का पूजन करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी। शनि भगवान आपकी रक्षा करें, महादेव आपका कल्याण करें। शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आपका जीवन इस महीने और इस आने वाले समय में आप सदा खुशियां मिले, प्रभु से मेरी प्रार्थना। साधारण सा व्यक्ति हूँ, अपने विचार लेके आपके सामने आया हूँ, मानो न मानो आपकी। हाँ, प्रयास है मेरा भाई, सेकंड ओपिनियन का अधिकार तो आपकी का है ना, मेरा थोड़ी है। मैं कभी नहीं कहता हूँ मैंने जो कहा वो सत्य है। मैं कहता हूँ विचार रखा हूँ, अच्छा लगता तो मानो ना छोड़ दो, तनाव मत लिया करो, जीवन को थोड़ा सा रिलैक्स रखो और इष्ट पर विश्वास रखो। मनुष्य का इष्ट मजबूत होना चाहिए। स्थान बल, आत्मबल, देव बल, ये मजबूत होने चाहिए। कुछ भी जानना है, जितना मैं जानता हूं, तो नंबर आपके सामने आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी ले लें। और मैं देवाधिदेव शनिदेव की शरणागत श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में रहता हूं और संपूर्ण राष्ट्र से और विशेषकर दिल्ली वालों से कहता हूँ, आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से आपको छुटकारा मिले। लेकिन सरकार की गाइडलाइन के साथ कोई लापरवाही नहीं करें। वायरस बहुत फैल रहा है, 2 गज की दूरी जरूर रखें, मास्क जरूर लगा के रखें। पूजा और प्रार्थना के साथ साथ सरकारी नियमों का उल्लंघन न हो, इस बात का ध्यान, क्योंकि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, भावनाओं में नहीं बहना भाई, ठीक है। तो मुझे इतना ही कहना था। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।